नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए प्यून भर्ती का मैं मैथ्स का क्लास लेकर आया हूं, जो कि गणित का यह पहला क्लास है और बाकी सब्जेक्टों का यहां पर क्लास स्टार्ट हो चुका है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या प्यून का मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखा है तो आप वहाँ से जाकर जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह छत्तीसगढ़ प्यून का जो मैथ्स है उसका पहला क्लास है। दोस्तों, अगर आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्यापार में या पीएससी की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ जॉब से रिलेटेड जानकारियां भी आपको यहां पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें एवं बेल घंटे के अल बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पहला क्लास है मैथ्स का, तो यहाँ पर मैं बेसिक प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपका प्यून में बेसिक गणित पूछा जाएगा, मतलब सामान्य गणित। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? तो यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 4 जो कि भाज्य संख्या है, और बाकी जो 1 है, 3 है, 7 है, अभाज्य है। भाज्य वह है जो स्वयं से, किसी दूसरे से या दो से कट जाए, वह यहाँ पर भाज्य संख्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्यून भर्ती में गणित का यहाँ पर 15 से 20 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सामान्य जो मैथ्स आएगा वह 15 से 20 अंकों का रहेगा, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ। दूसरा प्रश्न है, पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या होगा? तो आइए देखते हैं जो ये बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो 1 से लेकर कहाँ तक, पूरे 50 तक हमको बताना है कि इसका टोटल योग क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का जो विधि है, तो सबसे पहले जो सूत्र होता है योग हो जाएगा, योग का सूत्र है। उसके बाद आपका पहला पद प्लस अंतिम पद, उसके बाद बटा 2 हो जाएगा, और उसके बाद इंटू पदों की संख्या। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। तो योग है, उसके बाद जो पहला पद क्या है, 1 है, प्लस जो अंतिम पद है 50 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर इंटू आपका 51, और उसके बाद आपका 25 हो जाएगा। तो इसको अगर काटेंगे तो 2 25 सम हो जाएगा, अब टोटल आपका यहाँ पर 51 है, 51 इंटू जो 25 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1275। तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, 1275। वो एक सूत्र है, सूत्र से ये बन जाता है आसानी से। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 0 व 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? मतलब 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या हमको बतानी है, जिसको आपको गिनकर बताना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47। तो इतने यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 15। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इस तरह टोटल 15 अभाज्य संख्या है। वैसे ही आप 100 तक गिन के रखे रहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्यून भर्ती में, ये इसमें पूछा जा सकता है 0 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है या कितनी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछा जाता है, तो इनको आपको याद रखना है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, 1 और 130 के बीच में ऐसी संख्याओं की संख्या जो 6 से विभाजित होता है तथा जिनके किसी भी स्थान पर 6 अंक आता हो, वह क्या होगा? तो यह क्वेश्चन ऐसा है कि जो 6 से विभाजित हो, तो इसका आइए देखते हैं, जो 6 से विभाजित हो तो 6 कम 6 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा, फिर 66 हो जाएगा, और फिर 96 हो जाएगा, फिर 126। 130 तक पूछा गया है, तो 130 से आगे जैसे मान लो अपन 136 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 130 तक 126 आएगा, जिसके हर स्थान पे 6 होना चाहिए, चाहे इकाई हो
चाहे आपके दहाई, तो यहाँ भी छः है, यहाँ भी छः है, यहाँ सभी जगह में, तो कितनी संख्या है, टोटल छः संख्या है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बेसिक स्टार्टिंग की वहाँ पर, इससे थोड़ा सा ऊपर भी बताऊँगा। पहले मैं शुरुआत संख्या पद्धति से यहाँ पर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित संख्या में किस अंक की पुनरावृत्ति पहली बार हुई है, मतलब यहाँ पर हमको ये चीज़ बतानी है संख्या में कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति केवल एक बार हुई, पहली बार हुई है, तो इसमें कौन सी संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा, जिसकी पहली बार पुनरावृत्ति हुई है, मतलब 5 ऐसी संख्या है जिसका पुनरावृत्ति पहली बार हुई है। उसके बाद 5 इधर भी है और बाकी में यहाँ पर जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं और इसमें जो दूसरी तथा पांचवी का योग पूछा गया है, तो आइए इसको देखते हैं 5 क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगा। तो ये सूत्र से बनता है x, उसके बाद x प्लस 1, x प्लस 2, ऐसे x प्लस 4 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनका योग क्या हो जाएगा, तो जो इनका योग है तो हम इसको योग कर देंगे, x प्लस 1, फिर आपका x प्लस 2, इसी तरह से x प्लस 4 तक हमको लिखना है। उसके बाद बराबर यहाँ पर हमको कर देनी है 270। अब यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 5x जो xx है, उसके बाद टोटल जो संख्या है वो 10 हो जाएगा और उसका बराबर हो जाएगा यहाँ पर 270, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 260/5, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 70 में 10 तो 60 हो जाएगा 5। अब इसको काट देंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आया आपका 52 आया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग, ठीक है, दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग पूछा है। तो अब आइए देखते हैं एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 2x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 52 हो जाएगा प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 52 × 104 हो जाएगा प्लस 5 मतलब 109, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 109। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, 2 पूर्णांकों का योग हमेशा रहता है, तो क्या रहता है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न या इनमें से कौन है। तो 2 संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्णांक संख्या होता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर दिया है ये सेंटेंस है 6 − 4 + 1, फिर है −6 + 4 − 1 + इस तरह से यह सेंटेंस है, जिसमें श्रेणी के प्रथम 69 पदों का योग क्या होगा। तो आइए देखते हैं प्रथम 3 पदों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रथम 3 पद है उसका योग यहाँ पर 3 हो जाएगा और दूसरा जो 3 पदों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पर −3 हो जाएगा, ठीक। इसलिए प्रथम जो 6 पद हैं, 6 पदों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा पहले 3 पद का और उसके बाद दूसरे 3 पद का, तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब इसी प्रकार 10 × 6, ठीक है, 10 × 6 = 66 और पदों तक जो योग है 66 पदों तक जो योग रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब अंतिम 3 पद, जो अंतिम 3 पद है वो क्या होगा, 6 − 4 + 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, एक विद्यार्थी ने प्रारंभ की कुछ प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर 597 का योग प्राप्त किया, बाद में उसे ध्यान आया कि वह एक संख्या को जोड़ना क्या किया था, भूल गया था, तो वह भूला गया जो संख्या क्या होगी। तो आइए इसको देखते हैं, तो वैसे बनेगा जो पहले बना था, प्रथम 1 से लेकर जो 35 तक का योग है जो प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं 1 से यहाँ पर जो 35 तक का योग है, तो प्रथम
प्रथम जो पद है यहाँ पर, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो हो जाएगा इंटू पदों की संख्या, ये सूत्र है। तो एक हो जाएगा प्लस 35 और यहाँ पर दो हो जाएगा इंटू यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको कटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 18 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। ठीक है, अतः 600 जो 30 है, 630 है, उसको हम लोग माइनस करेंगे कितने में, 597 में, तो कितना आएगा यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 33। अगला है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो इनमें आपको सभी को यहाँ पर 11 से विभाजित कर देखना पड़ेगा, या जो दूसरी विधि है तो उसके हिसाब से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, जो बनाने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 11 से जो पूर्णतः विभक्त होने वाली, एक तो पहली विधि है, आप सभी को 11 से जो काट कर देखना पड़ेगा, अगर जो कट रहा है मतलब वो 11 से विभाजित है, या जो दूसरी विधि है तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे 1 + 6 + 4 कोष्टक में -4 + 5 + 2 ये भी कोष्टक में रहेगा, क्या होगा बराबर 11 - 11, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इसका क्या है, नियम है। तो अतः 0 + 11 तो बराबर 0। तो इसको आपको कटा कर देखना पड़ेगा, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 41 जो 415625। ये जो सूत्र था वो मैं इससे पहले सूत्र बता रहा था, तो सूत्र के हिसाब से, बट ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी को काट कर देख लीजिए। अगला है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह ने प्रत्येक विद्यार्थियों से उतने ही पैसे इकट्ठे किए जितने उस समूह में विद्यार्थियों के थे, और कुल 59.29 रुपये इकट्ठा हुए, तो समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो आइए देखते हैं, माना समूह में x विद्यार्थी थे, ये सभी को पता है, तब सबसे x पैसे लिए, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स बराबर 59.29 इंटू 100 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर x x है, अब 59.29 पैसे हो जाएंगे। अब इसको x के यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जो स्क्वायर था उसको वर्ग में कर देंगे, तो 70 × 70 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर 70 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 70। यदि आशीष ने एक तिहाई गणित के अंक हिंदी के आधे अंकों से 30 अधिक है, यदि दोनों विषयों में कुल 240 अंक प्राप्त हुए तो हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए। तो आइए देखते हैं, माना गणित के अंक क्या है, m है, और हिंदी के अंक यहाँ पर h है। ठीक है, यहाँ पर गणित के मान लेते हैं m है और हिंदी के आपका h है। ठीक है, ये मैथ्स का हो गया और ये हिंदी का। तब जो क्वेश्चन क्या बनेगा आगे, ये सूत्र में बनेगा, प्रश्नानुसार क्या है, एक तिहाई मैथ्स के जो अंक हैं, एक जो यहाँ पर एक गुना है, यहाँ पर जो हिंदी के कितना है 30 अंक है, यहाँ पर 30 अंक अधिक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हिंदी मैथ्स के हैं 3 हो जाएगा, और माइनस एच का जो हम लोग यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 2 हो जाएगा और बराबर 30। उसके बाद 2m - 3h बराबर ये हो जाएगा 180, ये पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर m + h = 240, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर, तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो 5h = 300 हो जाएगा। अब h बराबर यहाँ पर 300/5, तो 5 × 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य जो भाज्य नहीं होता केवल, तो यहाँ पर हमको बतानी है तो कौन सा अभाज्य है। तो सभी को आपको किसी न किसी से गुणा कर देखना पड़ेगा, तो आइए चेक करते हैं। तो जो 161 है कितने से कट जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 × 2 = 14 बच गए 2, 1
सात या 21, ठीक है। तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। उसके बाद है 147, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 7 एकम। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर 437, तो 437 कितने से कटेगा, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा 23 है, तो ये 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे तो ये 0 और ये 2, उसके बाद 7 बचेगा। अब ये कितने से कटेगा, 7, 6, 5, 3, 15, 10, तो 10 में ये 230 हो जाएगा। ये आपका 23 से विभाजित हो जाएगा, इसको 23 से आप विभाजित कर देख सकते हैं, तो ये 23 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद है 373, ये किसी से भाग नहीं जा रहा है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 373। अगला प्रश्न है 14 नंबर, यदि और भी दो विषम संख्याएं हैं जो निम्न विषम संख्याओं से सम हैं, तो आइए देखते हैं यह जो प्रश्न है, जो दो, ये दो है, दो और भी दो विषम संख्याओं से हैं जो निम्न संख्याओं से विषम हैं, तो यहाँ पर क्या होगा। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक क्या होता है, सम संख्या होता है। अतः ए प्लस बी एक क्या है, सम संख्या होगा। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो यहाँ पर उदाहरण जैसे 3 + 5 = 8 हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, 26,559 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा, कि भी क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो इन दोनों का स्थानीय मान अंकित मान, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है गणित के। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा, और 5 का अंकित मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 495। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 495। तो इस तरह आज शुरुआत था गणित के लगभग 15 प्रश्न। इसके बाद मैं कंटिन्यू अधिक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा सा समय का दिक्कत था, थोड़ा व्यस्तता थी, तो चैनल में आप ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, साथ ही साथ बेल घंटे काल बटन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। तो धन्यवाद।